मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया। आप जानते हैं कि देश के अंदर जो मॉब लिंचिंग है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रही है। आपने देखा होगा, चाहे हरियाणा का पहलू खान हो, उत्तर प्रदेश का अखलाक हो, या महाराष्ट्र के अंदर साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई हो, या झारखंड में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग हुई हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे भारत सरकार को एक डायरेक्शन दिया कि मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाया जाए, लेकिन भारत सरकार सोई भी ये कानून नहीं बनाया। कुछ प्रदेश सरकारें अगर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाना चाहती हैं, कानून पास भी किया है, उन्होंने बिल पास भी किया है और राज्यपाल को भेजा है, तब भी केंद्र सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नर हैं, वो उन मॉब लिंचिंग के खिलाफ बने हुए कानून को जो है अपने अनुमति नहीं दे रहे हैं। अभी पिछले दिनों झारखंड की असेंबली ने जो है मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पास किया, झारखंड सरकार ने दुहाई लगाई गवर्नर के साहब के पास, लेकिन गवर्नर साहब ने काफी दिन रखने के बाद उसको वापस कर दिया। क्या सरकार की नीयत क्या है? जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनना चाहिए, तो ना तो केंद्र सरकार कानून बना रही है और ना उन राज्य सरकारों को अनुमति दे रही है जो सरकारें वहां कानून बनाना चाहती हैं। गवर्नर्स के माध्यम से उसको रोका जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है कि नियम